गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है संडे और आज पहले हमारा था राइड का प्लान था, या संडे राइड करेंगे या तो मेला साइड या फिर खजियार, बट अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या करें और कहाँ जाएं। अभी डिस्कस हो रहा है कि क्या करें। मनीष तैयार है, मैं रेडी हूँ, और पंकज और मैं जो वो गाड़ी लेने गया, तो शायद गाड़ी से निकले आज, तो देखते हैं जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। पर बने रहिए व्लॉग में क्योंकि आज बहुत मस्ती होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं खजियार। अभी निकल गए हम लोग, उस्ताद जी बैठे हैं गाड़ी में और पीछे अपनी गैंग पूरी। तो डिसाइड यही हुआ कि खजियार ही जाएंगे आज। पहुंच गया जी, अभी एक वाटर ब्रेक लिया है। एक्चुअली ये लोग बड़े प्यासे हैं रास्ते, इनको पानी चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ एक ब्रेक लिया और ठंडा पानी पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। यहाँ पे भी प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब जोत नहीं जा रहे हम, जा रहे हम अब खजियार नहीं जा रहे, सॉरी अब जा रहे हम जोत। गैंग कहाँ जाना बोलो? जोत चलो, जोत जोत इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली पंकज का प्लान था पहले खजियार में पैराग्लाइडिंग करने का, उसका वहाँ पे एक फ्रेंड है तो पैराग्लाइडिंग करनी थी उसने आज, बट आज वो कहीं और बिजी है बंदा, तो इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं जोत। ये हम लोग पहुंचे हैं अभी गेट के पास, गेट का भी 12 हो गया यार, बड़ी बिल्डिंग बन गई यहाँ पे। तो यहीं से एक रोड जाता है, ये यहाँ से लेफ्ट राइट चले जाएंगे तो खजियार है। जोत जाना? हाँ जोत, जोत से राइट खजियार है 7 किलोमीटर और जोत 11 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम लोग जोत ही जाएंगे। ऐसा कुछ व्यू है जोत की तरफ, अगर आप लोग जाएंगे बिल्कुल। पंजाल की रेंज है पूरी, जितनी भी बर्फ आपको दिख रही है पूरी पीर पंजाल है ये। अभी हम लोग जस्ट जोत रोड पे रुके हैं, अभी तलाई गांव है नीचे, ये तलाई है नीचे, ये पीछे स्टेशन देख रहे हैं आप, ये पीछे, ये नीचे आप घर देख रहे हैं, तलाई है ये। व्यू चेक करो यार यहाँ से, देखो बस यहाँ 1 मिनट के लिए यहाँ रुके हैं। पंकज का वो जो मैंने बताया था ना आपको, जो फ्रेंड था उसका पैराग्लाइडिंग करवाता है, वो उसके घर यहीं पे हैं, तो उसको भी ले जाते हैं साथ में। कोई बोला था मैं चल पड़ूंगा, तो आ रहा है भी वो, शायद वो आ रहा नीचे से, आप देख रहे होंगे नीचे लड़का, ये आ रहा है, अच्छा यही है इसका फ्रेंड। बस आ गया, अब निकलते हैं डुगली 4 किलोमीटर, बस निकलते हैं यहाँ से। अब थोड़ा ही रहा है, देखिए सामने जो आपको ट्रांसमिशन के जो टावर दिख रहे हैं, बस यही रेंज है जोत की। वो सामने यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं करड़ घोड़ी के लिए भी, ये देखिए सामने, ये है करड़ घोड़ी, जोत से भी ट्राई कर सकते हैं कार्ड बॉडी के लिए। चलो आया सी, ठीक है, अपना अपना नाम बताओ।
अर्णव अभय विवेक। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ। ठीक है, बाय। चलिए अब निकलते हैं जल्दी से और पहुंचते हैं जोध, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। टाइम आई थिंक 1:00 अभी अभी भी कुछ 10 से 15 मिनट ऊपर पहुंचने में लगेंगे, तो जल्दी से पहुंचते हैं, फिर आपको ऊपर ही मिलते हैं। फाइनली जोध पास पहुंच गए हैं अभी हम लोग। गाड़ियां पार्क होगी अपनी, बस ये टॉप ही है। इस तरफ अगर निकल जाएंगे तो ये नीचे चुवाड़ी का एरिया है, चुवाड़ी कांगड़ा, इस तरह से निकल सकते हैं। यहाँ से चंबा का व्यू भी दिखता है। ये देखिए नीचे, ये हरदासपुर का एरिया है, सेंटर ऑफ फ्रेम, और पीछे साहो का एरिया भी दिखता है, बट यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं होगा। बाकी ये है जोत, काफी टाइम के बाद आया हूँ। ये शॉप वैसी की वैसी है, बाकी रोड्स काफी खुल गए हैं यहाँ पे, काफी खुला रोड हो गया। देखिए गाड़ी हमने यहाँ की है पार्क, अब इस तरफ जाएंगे, ऊपर थोड़ा बैठ के चिल करते हैं। तो ये है जोत पास, और इस तरफ को निकल जाएंगे चुवाड़ी है। मनीष के अभी पानी लेने ये आ रहा है, फिर पानी गाड़ी में रह गया था तो बुलाने के, और चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं नज़ारे, ऊपर से दिखाते हैं नज़ारे कैसे कैसे हैं जोत पास के नज़ारे जो भी हैं। पंकज और दूसरा फ्रेंड जो पैराग्लाइडिंग करता वो भी साथ में है, तो वो आगे निकल गए हैं, मैं जा रहा हूँ पीछे से। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से, बाकी मनीष और मयंक तो आ ही जाएंगे पीछे से। चलते हैं आगे, पर यार देखो ये गंद जो फैलाना है लोगों ने, देखो ये टूरिस्ट प्लेस पे आके ऐसा करना यार, तो आप पहाड़ों में आ रहे हो और उसको भी आप लोग गंदा कर रहे हैं, सही नहीं आ रही है। यार देखिए ब्यूटी, यार देखिए सामने पूरी ये धारा, ये जोत ही है, जोत पास इसको बोलते हैं। पास एक्चुअली जो दो वैलीज को आपस में कनेक्ट करते हैं पास, उसको बोलते हैं, तो ये पास है जोत पास। यहाँ से सामने अगर निकल जाएंगे इस तरफ को, तो इस तरफ चंबा वैली है और इस तरफ ये चुवाड़ी का ये सारा। ये देखिए यार यहाँ से देखिए व्यू पूरा इस तरफ, शायद एक गदर पॉइंट ये आ गई है, दिखाएंगे आपको भी। गाड़ियाँ भी यहाँ तो ऊपर तक आती है, देखिए व्यू देखिए यहाँ से पूरा जोत का ये व्यू। ये नीचे जोत चंबा रोड, इस तरफ ये नीचे को चंबा वैली, और अपने साथी वो सामने पहुँच गए हैं। काफ़ी कॉमर्शलाइज हो गया अभी, होटल्स हो गए हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हट्स वगैरह बन गया। देखिए फॉरेस्ट की है ऊपर तक है सारी। यहाँ पे वेदर फोरकास्ट स्टेशन भी है, ये देखिए सामने ये वेदर फोरकास्ट स्टेशन चंबा का यहाँ लगा है। आप लोगों ने वो मूवी तो देखी होगी गदर, जिसमें सकीना को एक वो गुज्जर के हट में रखा गया था, जहाँ पे वो जिस लेडी ने रखा था वो उससे उसने कंगन वगैरह भी लिए थे। आपको वो दिखाते हैं गदर पॉइंट, यहाँ पे जोत में ही है वो, क्योंकि उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई। ये सामने है जो गुज्जर के आपको हट दिख रहे हैं, ये है गदर पॉइंट। गदर की मूवी के बाद इसका नाम पड़ा गदर पॉइंट, पहले तो जोत ही था ये, और यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी, इस हट में वो रखे गए थे सकीना पे, यानी अमीषा पटेल को यहाँ रखा गया था, तो उसके बाद से इसका नाम पड़ गया गदर पॉइंट। ये देख लीजिए पीछे तक हैं गुज्जर के हट्स, 3-4 हैं पीछे तक हैं, यही है गदर पॉइंट। तो गदर मूवी तो सबने देखी होगी, तो यही है वो हट, पूरी नीचे चंबा वैली, ये था गदर पॉइंट जो आपको मैंने दिखाया। अभी चलते हैं, अभी कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद बाकी के नज़ारे आपको फिर दिखाते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, बस यहीं से अगर आगे निकल जाएंगे तो यहाँ से सामने, यहीं से पुलानी माता भी जा सकते हैं,
एक घंटे का ट्रैक है यहाँ से। चलिए जी अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि इस तरफ देखिए बिल्कुल काले बादल आ चुके हैं। घर से भी फोन आया था, घर से भी कॉल आ चुकी है 2-3 बार की, और फिर बारिश हो रही है। बट यहाँ भी देखिए पूरा धूप है, पर नीचे लग रहा है वैसे कि बारिश है। वैसे देखिए नीचे पूरा ब्लैक, इस तरफ देखिए सामने में ये बारिश यहाँ हो रही है। वैसे चंबा वाली साइड देखिए, ये इधर मेला साइड है, ये इस तरफ बारिश हो रही है। बट अभी चंबा में बिल्कुल क्लियर है, देखिए नीचे नीचे चंबा है, यहाँ नहीं है बारिश अभी, यहाँ भी धूप लगी है। और निकलते हैं अभी से पहले कि यहाँ भी बारिश हो जाए। वैसे होगी नहीं क्योंकि स्काई पूरा क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है बारिश की। चलिए निकलते हैं अब, सब लोग आ गए हैं, पंकज आगे निकल गया है बाइक पे। हम लोग अभी जा रहे हैं अभी भाई के घर, जो पैराग्लाइडिंग वाले भाई थे ना उनके घर जा रहे हैं। अभी इनवाइट हुए हैं आज वहाँ धाम के लिए, एक्चुअली उनका नानी का घर है यहाँ पे, तो अपने धाम खाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। सामने अभी भाई हैं, आगे पंकज साथ में है। आज इनके नानी के घर में फंक्शन है कुछ ना, इसलिए बोले कि आप भी चलो। वो देखिए नीचे आपको एक नई बड़ी यूनिक सी चीज़ दिखाते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप, एक बाउंड्री सी, ये बाउंड्री सी ना, जब ये भेड़ पालक अपनी भेड़ वगैरह लाते हैं ना, इसी में ही भेड़ वगैरह को रखते हैं, क्योंकि पूरी बाउंड्री की भी है। देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, पूरी बाउंड्री की है, इसमें भेड़ वगैरह को रखते हैं ऐसे। यहाँ से आ रहा मैं भी ना, यहाँ पे धाम खा के यहाँ से भी ये चढ़े हैं ऊपर को यहाँ से। हाँ जी ठीक है जान, बाकी अब चंबा साइड भी मौसम साफ हो गया है, धूप निकलाई अब तो। ये चंबा नीचे धूप आ गई अब तो, पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है। देखो व्यू चेक करो यहाँ से, पूरे देवदार के पेड़ पूरे ऊपर, देखो क्या व्यू है यार। वो निकलते हैं अभी यहाँ से जल्दी से। तो आज जोत से घूम के वापस घर आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, और काफ़ी अच्छा लगा जोत में। काफ़ी सालों बाद गया, तो काफ़ी चेंजेस भी वहाँ हो चुके हैं जोत में, और काफ़ी अच्छा रहा। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।